कबीर साहिब प्रकट दिवस के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संत शिरोमणि संत सम्राट सत्य पुरुष कबीर साहिब का 624वां सार्वजनिक उत्सव शनिवार को शहर के शांति नगर कबीर मठ में उत्साह के साथ मनाया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संत शिरोमणि संत सम्राट सत्य पुरुष कबीर साहिब का 624वां सार्वजनिक उत्सव शनिवार महंत श्री गुरुचरण दास जी साहिब के सानिध्य में कबीर आश्रम शांति नगर में मनाया गया, जहां भारी संख्या में समस्त कबीर पंथी भक्त समाज एवं समस्त नेमी प्रेमी भक्तों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर भव्य महाप्रसाद का लाभ उठाया। सदगुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की जय। आज का प्रोग्राम ये कबीर सदगुरु कबीर प्रागट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये 1931 से इस जगह पर ये कार्यक्रम होते आ रहा है। पहले छोटे रूप में था, अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। सदगुरु कबीर साहेब का ये आश्रम हमारे पूर्वज मन श्री हीरा दास जी साहेब ने इन्हें बनाया था और वो कबीर साहेब के भक्त थे और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके पश्चात उनके भाई रामदास जी साहेब इनने उसको कार्यान्वित किया। उसके बाद उनके पुत्र गुरुचरण दास साहेब इनने इसको किया और ये कार्यक्रम लगातार आज 90 वर्ष से चलते आ रहा है। सदगुरु कबीर साहेब काशी लहरताला धाम में प्रकट हुए थे और उसके पश्चात आज 625वां सदगुरु कबीर प्राकट्य दिन हम इस कबीर आश्रम शांति नगर में मना रहे हैं और ये निरंतर आगे चलता रहता है। यह 3 दिन का प्रोग्राम होता था लेकिन लोगों के धूप के वजह से इससे अभी ये 2 दिन का कर दिया गया है। 2 दिन में पहले दिन भजन सत्संग का कार्यक्रम होता है, दोनों टाइम भजन सत्संग होता है। दूसरे दिन सुबह गुरु महिमा पाठ, पुनः महात्म पाठ, बीजक ग्रंथ का पाठ और उसके पश्चात भजन होते हैं और उसके पश्चात आनंदी चौका आरती ये कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम के पश्चात फिर महाप्रसाद का कार्यक्रम होता है। ये प्रतिवर्ष निरंतर चलते आ रहा है और इसके ये सदगुरु कबीर प्रागट महोत्सव और सदगुरु कबीर अंतर्ध्यान दिन का कार्यक्रम ये प्रतिवर्ष होते रहता है। सदगुरु कबीर साहेब काशी लहरताला धाम में अवतरित हुए और सदगुरु कबीर साहेब ने सत्य अहिंसा मानवता जातिवाद का सब प्रखर विरोध किया और उसी के हम बताए हुए मार्ग पर चलते आ रहे हैं और आगे भी हम चलते रहेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की जय। ये तकरीबन 2500 से 3000 लोग पहुँचते हैं। सबके सहयोग से ये कार्यक्रम होता है और ये चलते रहता है। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।